हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11th पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के भाग 11 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, जो दिया गया था आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल नंबर 31 के अंदर। बट आज के टाइम पे ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 31A को, जिसका टाइटल दिया गया है सेविंग ऑफ सर्टन लॉज। सो आर्टिकल नंबर 31A हो गया, आर्टिकल नंबर 31B हो गया, 9 शेड्यूल हो गया, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 में लाया गया था उसके बाद इंसर्ट किया गया था। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, बाद में हम देखेंगे कि आर्टिकल 31C भी जो है वो लाया जाता है। सो आर्टिकल 31A जो है वो इंसर्ट किया गया था किस लिए, तो उन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन लॉज को इंप्लीमेंट करने की वजह से किसी का फंडामेंटल राइट, बेसिकली फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल नंबर 19 का हनन हो जा रहा था, तो उसकी वजह से लोग जो है कोर्ट पहुंच रहे थे। तो वहां पर सरकार को प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाता है उन लॉज के द्वारा जो आर्टिकल नंबर 31A के तहत दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो first of all, if we सी द प्रियम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी फाइंड दैट वहाँ पे बात किया गया है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की। तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है हर सिटीजन को दी जाएगी, ये भारतीय संविधान के प्रियम्बल में ही कहा गया है। तो जब सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लाने की बात चल रही है, एंड यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लें कि भारत जब आज़ाद हुआ तब जमींदारी एबोलिशन एक्ट लाया गया, लैंड रिफॉर्म्स किए जा रहे थे, क्योंकि जो जमींदार थे उनके पास जरूरत से ज़्यादा जमीन थी, तो सरकार सोच रही थी कि उन जमीनों को हम अपने कंट्रोल में लें एंड इनको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए या फिर उनको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाए। तो वहां पे जब सरकार ऐसी चीजें कर रही थी तो जो जमींदार थे जिनकी जमीनें ली जा रही थी वो कोर्ट पहुंच रहे थे। अब वो कोर्ट क्यों पहुंच रहे थे? क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल नंबर 31 जो है वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी का राइट जो है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है तो उसको किसी से छीना नहीं जा सकता, या फिर सरकार जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि किसी का राइट जो है वो वायलेट ना हो। बट यहाँ पे सरकार खुद किसी की जमीन अपने अंडर में ले रही है, उसकी वजह से उसका फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन हो जा रहा है। तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ज़्यादा आ रहे थे, एंड सरकार को बार बार ये प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ रहा था स्टेट्स के अंदर, प्लस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केसेस जो हैं आती जाती हैं। तो देखते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो है वो क्या कहता था। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो है वो गारंटी देता था कि जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ पे उनको ये राइट है कि वो एक्वायर कर सकते, होल्ड कर सकते या फिर डिस्पोज कर सकते प्रॉपर्टी को। यानी हर जो इंडिविजुअल है, जो सिटीजन है इंडिया का, उसके पास ये मौलिक अधिकार था कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने पास रख सकता है या उसको बेच सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ हुआ। अब आर्टिकल नंबर 31, सो आर्टिकल नंबर 31 के अंदर कहा गया था दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी सरकार जो है किसी को रैंडमली उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से वंचित नहीं कर सकती है। वहां पे अगर सरकार किसी को वंचित कर रही है तो वो एक प्रॉपर लॉ को फॉलो करते हुए चीजें होंगी। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 31 के अंदर बात की गई कि सरकार अगर किसी की जमीन, किसी की प्रॉपर्टी अपने पास अगर लेती है, एक्वायर करती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक पर्पज के लिए यूज की जाएगी, एंड उस प्रॉपर्टी को जब एक्वायर करती है सरकार तो उसके लिए प्रॉपर कंपनसेशन जो है दिया जाएगा उस इंडिविजुअल को, जिस इंडिविजुअल की वो प्रॉपर्टी ली गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्लॉट था, उस प्लॉट को सरकार जो है किसी कारणवश अपने अंडर में लेना चाहती है, मान लिया कि यहाँ से रेलवे ट्रैक निकालना है सरकार को, तो सरकार जो है उसने आपका प्लॉट जो है खरीदा, एंड जब आपका प्लॉट जब वो सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है तो इस प्लॉट के लिए आपको प्रॉपर कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। तो ये बात कही गई थी आर्टिकल नंबर 31 के अंदर। बट ये जो फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, इसके वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं निकल के आ रहे थे, एंड बाद में इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार जो है अमेंडमेंट्स करती है, एंड आर्टिकल 31A, 31B एंड 9 शेड्यूल, देन आफ्टर दैट आर्टिकल 31C जो है वो लाती है। बट फिर भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रूप से सॉल्व नहीं हो पाते जितना सरकार जो है चाहती थी या सरकार सोचती है। तो उसकी वजह से बाद में फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के दर्जे से ही हटा दिया जाए एंड इसको लीगल राइट जो है बना दिया जाए। तो उसी के तहत 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ, उस समय फिर आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो है उसको हटा दिया गया, एंड आर्टिकल नंबर 31 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल नंबर 300A के अंदर। पार्ट 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर पार्ट फोर जो है उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 300A, उसी में राइट टू प्रॉपर्टी की अब बात की जाती है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 चैप्टर 4
उसके अंदर आर्टिकल 300A जो है उसके अंदर शिफ्ट किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अब ये लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको कहाँ पे शिफ्ट किया गया एंड प्लस राइट टू प्रॉपर्टी को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटा दिया गया। तो ये हटाया गया फंडामेंटल राइट के दर्जे से 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 31A। बट आर्टिकल नंबर 31A को देखने से पहले हम कुछ केसेस जो हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से बहुत फेमस हुआ। तो इसके अंदर क्या किया गया था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी उसने 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। तो वहाँ पर कंपनसेशन की बात हुई, तो कंपनसेशन की जब बात हो रही थी तो जो एग्रीव लोग थे उनका ये कहना था कि हमें प्रॉपर कंपनसेशन जो है वो नहीं मिला है। बाद में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, जहां पे जो वर्ड कंपनसेशन जो था आर्टिकल नंबर 31 के तहत उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद अमाउंट। बट वहाँ पे भी केसेस जो हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट बाद में फिर जजमेंट देती है कि जो कंपनसेशन है वो प्रॉपर कंपनसेशन होना चाहिए, रैंडम वे में किसी को हम कंपनसेशन जो है वो नहीं दे सकते। यानी जो एक्चुअल वैल्यू है उस एसेट की, उस स्टेट की, वो एक्चुअल वैल्यू उस पर्सन को मिलनी चाहिए, उससे उसको वंचित नहीं किया जाएगा अगर आप किसी की प्रॉपर्टी जो है एक्वायर करते हो। तो साथ ही साथ संकरी प्रसाद केस हुआ था जिसके अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो किए गए थे जिसके तहत आर्टिकल 31A आर्टिकल 31B जो है वो लाया गया था, उसी को चैलेंज कर दिया गया था संकरी प्रसाद के केस में। तो संकरी प्रसाद के केस में क्या हुआ था कि जो जुडिशरी है उसने आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B को कहा कि ये वैलिड है, एंड साथ ही साथ कहा कि ये पार्लियामेंट का राइट है कि वो पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड साथ ही साथ फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। तो ये बात कहाँ पे कहा गया था कि ये जो हक है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, ये कौन से केस में कहा गया, तो ये संकरी प्रसाद के केस में कहा गया था। बट आगे जाके फिर गोलकनाथ केस जो 1967 में आता है वहाँ पे बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है उसको पार्लियामेंट छू भी नहीं सकती है, एंड आर्टिकल 368 को यूज़ करके पार्लियामेंट संशोधन तो कर सकती है बट फंडामेंटल राइट को वो छू भी नहीं सकती है। तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट जो है वो जाता है जाता है, एंड अल्टीमेटली 1973 में केशवानंद भारती केस के अंदर फिर एक जजमेंट आता है जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ये हक है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए बिना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, एंड उसी के बीच में ही ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वहाँ पे आर्टिकल 31A जो है इंसर्ट किया जाता है, एंड उसको टाइटल दिया जाता है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। तो ये कब लाया गया, 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया उसके अंदर ये आर्टिकल 31A के कुछ जो क्लॉजेस थे उसको सब्स्टिट्यूट किए गए। तो ये किस लिए लाए गए थे, तो बेसिकली पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है, तो उसका अगर हनन होता है यानी सरकार कोई लॉ बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से वो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसका अगर हनन होता है किसी का, तो वो हनन नहीं माना जाएगा इस तरीके का हम मान सकते हैं। ये बात जो है आर्टिकल नंबर 31A से रिफ्लेक्ट होकर आती है, एंड साथ ही साथ ये जो आर्टिकल नंबर 31A इम्प्लीमेंट किया गया था इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है कि आज हमने कानून बनाया बट पास्ट के किसी डेट से हम उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो है आर्टिकल 31A को दिया गया था, एंड मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें आर्टिकल 31A आर्टिकल 31B आर्टिकल 31C, तो ये था उन लॉज को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना जिसकी वजह से किसी का राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कटल हो रहा है, वो राइट्स हैं उसके अगर हनन हो रहे हैं, उन लॉज को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 31A आर्टिकल 31B आर्टिकल 31C जो है वो इंसर्ट किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे आर्टिकल 31A। सो आर्टिकल 31A के अंदर दो क्लॉज हैं। पहला जो क्लॉज है वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13 नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर। सो आर्टिकल नंबर 31A को ए का पार्ट 1 यानी क्लॉज 1 अगर आपको समझना है तो आप क्या कीजिए कि एक पेन पेपर लीजिए एंड यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लिखिए, उसके बाद एक डैश रखिए, उसके बाद फिर आपको अगला सेंटेंस क्या लिखना है, तो आपको अगला सेंटेंस जो है वो लिखना है शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड, मीन्स ये जो ग्रीन पार्ट है
वो शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड ऑन ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विद और टेक्स अवे और एब्राइजेज एनी ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 14 और 19। एंड यहाँ पे पहले आर्टिकल 31 भी हुआ करता था, बट जब आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट के दर्जे से हटा दिया गया तब ये आर्टिकल 31 यहाँ से भी हटा दिया गया। तो बाद में फिर आप क्या कीजिए कि ये जो आपने यहाँ पे गैप रखा, यहाँ पे जो सब क्लॉजेज हैं जैसे ए जो क्लॉज है उसको आप रखिए एंड फिर उस तरीके से पूरा सेंटेंस पढ़िए। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, तो आर्टिकल 31 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 13 में जो भी चीज़ें कही गई हैं उसके बावजूद वो कानून जो बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा एंड उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की वजह से किसी का फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 19 का हनन होता है तो वो हनन नहीं माना जाएगा। ओके तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, नो लॉ शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड, यानी कोई भी ऐसा कानून जो सरकार के द्वारा बनाया गया है इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के वजह से किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो फंडामेंटल राइट का हनन नहीं माना जाएगा। ओके सो इसका जो सब क्लॉज ए है वो ये कहता है कि सरकार के पास ये पूरा हक है कि सरकार किसी की प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर सकती है एंड उससे रिगार्डिंग जो राइट है वो किसी इंडिविजुअल की वो ख़त्म कर सकती है या फिर उसमें मॉडिफिकेशन भी ला सकती है। ये हक जो है सरकार को दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सरकार के पास ये हक है कि वो किसी की प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में ले सकती है एंड किसी की राइट्स को वो ख़त्म कर सकती है उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन ला सकती है एंड इससे किसी का फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 19 का हनन होता है तो वो हनन नहीं माना जाएगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, माना कि यहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी कंपनी चल रही है एंड यहाँ पे आपके फ्रेंड की कंपनी चल रही है, ठीक है, तो सरकार जो है आपकी कंपनी जो है अपने कंट्रोल में लेना चाह रही है एंड सरकार ने अपने कंट्रोल में ले भी लिया एंड सरकार ने जब अपने कंट्रोल में लिया तो आप जो हैं वो कोर्ट पहुंच गए एंड आपने कहा कि मेरा आर्टिकल नंबर 14 का हनन हो गया। अब आर्टिकल नंबर 14 का हनन आप क्यों बोल रहे हैं कि मेरे साइड में जो मेरे दोस्त की कंपनी है उसको क्यों छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी जो है उसका हनन हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं उसके बेसिस पे आपने क्या बोला कि आर्टिकल नंबर 14 का हनन हो गया। साथ ही साथ आपने क्या बोला कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 19 की मैं कोई भी प्रोफेशन जो है वो एक्वायर कर सकता हूँ, तो मैं एक कंपनी चला रहा हूँ इसमें सरकार मेरी कंपनी को अपने कंट्रोल में क्यों ले रही है, यानी आर्टिकल नंबर 19 जो है उसका भी आपका हनन हो गया। तो आप इन दोनों चीज़ों को क्लेम करने के लिए जाएंगे, बट सरकार बोल रही है कि भाई ये आर्टिकल नंबर 31 ए के तहत आता है एंड इसके तहत सरकार जो है किसी की प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में ले सकती है एंड उससे रिगार्डिंग जो राइट्स है किसी पर्सन के वो ख़त्म किए जा सकते या फिर उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो भी किए जा सकते, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बी पार्ट, तो बी पार्ट क्या बोला गया कि सरकार जो है किसी की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट जो है किसी लिमिटेड पीरियड के लिए अपने कंट्रोल में ले सकती है, बट वो चीज़ें जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी याद रखना है कि सरकार जब भी किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेगी, किसी प्रॉपर्टी को, किसी स्टेट को, तो वो पब्लिक पर्पस के लिए होगा। उसी तरीके से यहाँ बी में बोला जा रहा है कि सरकार जो है किसी की प्रॉपर्टी जो है उसका मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में ले सकती है लिमिटेड पीरियड के लिए, बट वो जो चीज़ें हैं पब्लिक इंटरेस्ट में की जाएगी या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए किसी की प्रॉपर्टी सरकार अपने कंट्रोल में ले सकती है एंड उसके वजह से किसी का आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 19 का हनन होगा तो वो हनन नहीं माना जाएगा। देन पार्ट सी कहता है कि सरकार के पास ये पूरा हक है कि वो दो या दो से ज़्यादा कंपनीज कॉरपोरेशंस को आपस में मर्ज कर सकती है ताकि एक प्रॉपर मैनेजमेंट लाया जा सके एंड ये चीज़ें जो है पब्लिक इंटरेस्ट में होंगी एंड यहाँ से भी अगर किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है आर्टिकल नंबर 14 एंड 19 का तो वो हनन नहीं माना जाएगा। देन इसका पार्ट डी जो है वो ये कहता है कि सरकार जो है किसी के राइट्स को ख़त्म कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है वो राइट्स जो किसी मैनेजिंग एजेंट को, सेक्रेटरीज को, ट्रेजरर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर ऑफ कॉरपोरेशंस और जो वोटिंग राइट्स है शेयर होल्डर्स के उनको मिले हुए, यानी किसी भी इंडिविजुअल के जो इंडिविजुअल है जो किसी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग उसके पास राइट है उन राइट्स को सरकार जो है ख़त्म कर सकती है या फिर उसको मॉडिफाई कर सकती है। अगेन वहाँ पे फिर क्या होगा कि आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 19 का हनन नहीं माना जाएगा। देन पार्ट ई जो है वो कहता है कि सरकार जो है वो उन लॉज को
खत्म कर सकती है या फिर मॉडिफाई कर सकती है जो लॉ जो राइट्स उन राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है या उन राइट्स को खत्म कर सकती है जो राइट किसी पर्सन को मिले हुए हैं ड्यू टू वर्च्यू ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी कुछ एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से किसी इंडिविजुअल को कुछ राइट्स मिले हैं, उन राइट्स को सरकार जो है मॉडिफाई कर सकती है या फिर उसको खत्म भी कर सकती है, या फिर किसी ने कोई लाइसेंस ग्रहण किया है एंड उस लाइसेंस की वजह से उसके पास कुछ राइट्स हैं, उन राइट्स को भी सरकार जो है मॉडिफाई कर सकती है या फिर खत्म कर सकती है। उसी तरीके से किसी ने माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, माइनिंग के वजह से माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के वर्चू की वजह से उसके पास कुछ अगर राइट्स हैं, उन राइट्स को भी सरकार जो है मॉडिफाई कर सकती है या फिर उसको एक्सटिंग्विश कर सकती है, या फिर सरकार के पास ये भी हक है कि प्री मेच्योर कैंसिलेशन भी हो सकता है, सरकार कर सकती है किसी लाइसेंस का या फिर किसी भी एग्रीमेंट का। एंड ये सारी चीज़ें अगर सरकार करती है इसके वजह से किसी का आर्टिकल नंबर 14 के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिया गया, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिया गया, उनका अगर हनन होता है तो वो हनन नहीं माना जाएगा, ये कहा गया आर्टिकल नंबर 31A के अंदर। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कोई ऐसा कानून बनाती है जिसके तहत वो एम्यूनिटी जो है एक्वायर करना चाहती है कि वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करे, तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उस स्टेट के जो लोग हैं वो अगर कोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोर्ट उनको बोलेगी कि भाई ये जो है इस आर्टिकल 31A के अंदर रखा गया है इसलिए हम जजमेंट नहीं दे सकते। तो स्टेट लेजिस्लेचर का वो जो लॉ है तब तक इम्यूनिटी उस लॉ को नहीं मिल सकती जब तक प्रेसिडेंट के द्वारा उस लॉ के ऊपर साइन नहीं किया गया, यानी स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाती है जिसके द्वारा वो किसी का प्रॉपर्टी एक्वायर करती है एंड उसके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 जो है उसका हनन होता है, तो वो तभी वैलिड माना जाएगा जब प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अपना साइन जो है किया, यानी प्रेसिडेंट की परमिशन की वहाँ पे जरूरत है, तभी वो वैलिड माना जाएगा, तभी उन स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सकती है, अदरवाइज वो इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। बाद में फर्दर इस क्लॉज के इस आर्टिकल के अंदर ये भी बात कही गई कि कोई अगर इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है एंड वो अपने प्राइवेट जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो खुद कल्टीवेट कर रहा है, मीन्स वो खुद खेती कर रहा है एंड उसके पास जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है वो सीलिंग लिमिट के अंदर है, ठीक है, यानी मान लिया कि आपके पास सीलिंग लिमिट जो है उसके अंदर ही आपके पास ज़मीन है, यानी आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन नहीं, आपके पास लिमिटेड ज़मीन है एंड वो सीलिंग लिमिट के अंदर है। सीलिंग लिमिट क्या होती है? तो एक लिमिट तय की जाती है तो जिसके तहत कहा जाता है सरकार के द्वारा कि हर जो इंडिविजुअल है वो इतना ज़मीन अपने पास रख सकता है, तो उस सेलिंग लिमिट के अंदर अगर वो ज़मीन है आपके पास और वो सेलिंग लिमिट के अंदर जो ज़मीन फॉल होता है उसको सरकार अपने अंडर में अगर लेना चाहती है तो सरकार वहाँ पे प्रॉपर कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी एंड वो कंपनसेशन जो है वो मार्केट प्राइस से कम नहीं होगा, ठीक है। अगर सेलिंग लिमिट से ज़्यादा है आपके पास ज़मीन तो नो डाउट वहाँ पे सरकार आपको कहेगी कि भाई आपको मार्केट रेट से कम जो है कंपनसेशन दिया जाएगा, बट वहाँ पे आप क्लेम जो है नहीं कर सकते उस हद तक। बट अगर हम यहाँ पे अगर देखें कि सीलिंग लिमिट के अंदर है आपके पास ज़मीन एंड वो ज़मीन सरकार अगर किसी पब्लिक पर्पस के लिए अपने कंट्रोल में लेना चाह रही है तो मार्केट प्राइस के बराबर कम से कम आपको कंपनसेशन दिया जाएगा एंड अगर सरकार को लगता है कि हाँ उससे ज़्यादा भी वो कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकती है तो मार्केट रेट से ज़्यादा वैल्यू भी आपको दी जा सकती है, बट मार्केट वैल्यू से कम जो है कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ये बात कहा गया। अब इसके आर्टिकल मतलब इसके क्लॉज 2 में क्या कहा गया, आर्टिकल नंबर 31A का क्लॉज 1 हमने देखा, अभी अभी हम क्लॉज 2 देखेंगे। तो इसके अंदर कहा गया है, बेसिकली इसके अंदर डेफिनेशन बताया गया है कि स्टेट जो है इसका क्या दायरा है, ऐसा ना हो कि अगर सरकार ने किसी की ज़मीन जो है अपने कंट्रोल में लेना चाहा तो ये जो इंडिविजुअल है इसके जो फोर फादर्स थे वो मुगल एम्पायर के अंदर काम करते थे एंड वो उनके जो एंसेस्टर्स थे उनको वो जो ज़मीन है वो जागीर के रूप में मिली थी मुगल एम्पायर से, तो जो सरकार है वो ज़मीन यहाँ से एक्वायर कर रही है इस इंडिविजुअल का, तो ये इंडिविजुअल क्या कह रहा है कि भाई ये स्टेट नहीं है, ये तो जागीर है, ये हमारे पूर्वजों की देन है, सो आप इसको अपने कब्जे में नहीं ले सकते या फिर अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, एक्वायर नहीं कर सकते। सरकार वहां पे बोल रही है कि भाई स्टेट जो है उसके अंदर में वो सारे जागीर, इनाम, माफी या फिर ऐसे जो सिमिलर ग्रांट जो पहले के टाइम से चलते आ रहे थे वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर ही आ जाएंगी। साथ ही साथ वो सारी चीज़ें जो तमिलनाडु एंड केरला में
जन्मम राइट्स के नाम से जानी जाती है, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी जो प्रॉपर्टी है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर ही आती है. साथ ही साथ रोटवारी सेटलमेंट के तहत जो लैंड आता है वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर ही आता है. साथ ही साथ कोई भी पर्सन जिसने लैंड एक्वायर किया हुआ है, एग्रीकल्चर कर रहा है, या फिर वो वेस्ट लैंड है, या फिर वो फॉरेस्ट लैंड है, या फिर वो पॉश्चर लैंड है, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लैंड रखा हुआ, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारे स्टेट के डेफिनेशन के अंदर ही आएगी. ये आर्टिकल नंबर 2 के अंदर कहा गया. एंड साथ ही साथ इसमें सेकेंड पार्ट भी है जिसमें राइट्स की बात की गई. तो राइट्स में कहा गया है कि राइट्स का मतलब किसी एक इंडिविजुअल की राइट की बात नहीं कर की जा रही है, उस चीज़ से रिगार्डिंग जितने भी लोग हैं उन सब के राइट्स जो हैं इस राइट के डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी का जो है शेयर खरीदा हुआ है एंड इस चीज़ को सरकार जो है अपने कंट्रोल में ले रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक मेन मालिक है एंड ये क्या हो गया, सब मालिक हो गए, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स हो गए. तो यहाँ पे अगर कंपनी को एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने, तो जो मालिक है उनके राइट्स जो हैं वो भी चले जाएंगे सरकार के पास, एंड ये जो शेयर होल्डर्स है उनके भी राइट्स हैं वो भी चले जाएंगे. यानी जो मालिक है, जो उससे नीचे अहदे वाला जो मालिक है, उससे भी नीचे अहदे वाला जो मालिक है, उन सब के राइट्स जो हैं वो राइट जो वर्ड है उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं. सो आज के वीडियो में इतना ही. मिलेंगे हम अगले वीडियो में विद आर्टिकल नंबर 31B, आर्टिकल नंबर 31C एंड 9th शेड्यूल. सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.